नमस्कार, मैं हरिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं पवन कमल न्यूज। आखिर कौन है इन मासूम बच्चों को कूड़ा बीनने पर करता है मजबूर। खिरेश्वर चौराहे के पास एक प्लॉट में पड़े कूड़े में मासूम बीन रहे पेट की भूख बुझाने का कबाड़ा। वीडियो देखकर आप हो जाएंगे हैरान। लगातार वीडियो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा भी होता है क्या कि बच्चों से ऐसा काम करवाया जाता है। लोधा खेरेश्वर चौराहे के पास सोमवार को शाम 4:15 बजे के करीब एक खाली प्लाट में मासूम बच्चे अपने पेट की भूख को बुझाने के लिए कबाड़ा बीनने का मामला सामने आया है। मासूम बच्चों ने बताया है कि स्कूल जाते हैं, मैडम जी नाम नहीं लिखती हैं और स्कूल से भगा देती हैं। बच्चों का मनोबल स्कूल में पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक है, परंतु रोड किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों के इन बच्चों को अशिक्षित बनाया जा रहा है। सरकार लाखों रुपये खर्च कर निःशुल्क शिक्षा देने के लिए जगह जगह गाँव गाँव सरकारी स्कूल खोले गए हैं, जहाँ की केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी बच्चों, महिलाओं बच्चों आपको बता दें पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वहीं कुछ बच्चे मजबूर कूड़े के ढेर में दिखाई देते हैं। ये देखा जाए तो यह बच्चे गरीबी से लाचार, फीस से लाचार हैं, तभी तो कूड़े के ढेर पर पहुंच रहे हैं। जहां प्रशासन सभी को मुफ्त शिक्षा दे रहा है, वहीं यह बच्चे बताते हैं कि इन्हें स्कूल में घुसने नहीं दिया। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले को संज्ञान में लेकर क्या कार्रवाई करती है। ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, जिससे कि यह बच्चे भी आने वाले देश का भविष्य बनकर बने और योगी सरकार छात्राओं के लिए लाखों भर्ती निकाल रही है। वही अलीगढ़ खेरेश्वर चौराहे के पास नन्हे नन्हे बच्चे कूड़ा बीनते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर कूड़ा बीनने को क्यों मजबूर हैं बच्चे?